Hi guys, it's currently 11:55, 27th of July और अभी मैं vlog start कर रही हूँ. बस कल मेरा birthday है तो मैंने सोचा मैं vlog start करती हूँ. So, सबसे पहले मुझे मेरी friend ने भेजा है केक, मैं आपको वो दिखा देती हूँ. Give me a second. So, ये रहा वो केक जो मेरी फ्रेंड ने भेजा है और ये रहा अंदर से. मैंने इसको छुपा के यहाँ रखा हुआ है बिकॉज वहाँ पे जीमी चेहरी है, जैसे कि आप देख सकते हो. जीमी को पता चल गया कुछ तो हो रहा है. सो वो उसने भेजा है, सो मैं उसको 12 बजे कट करूँगी. एंड या और कुछ दिन पहले सबसे पहले आई थी घर पे पूजा, तो उसकी भी मैं क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दूँगी. उसके बाद आई थी भावना, तो सबसे पहले आई थी पूजा घर पे, तो उसकी मैं क्लिप्स ऐड कर रही हूँ. उस टाइम भी हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था, सो आप वो इन्जॉय करो. लोगों ने चाउमिन मंगवाई है खाने के लिए और मैंने इसको ये वाला पास्ता ट्राई करवाया है रेड हट्स कॉन्टिनेंटल का. तो बताओ भाई कैसा लगा? बढ़िया, बहुत मस्त है ना. आगे से यहीं से ऑर्डर करेगी पक्का. सो ये वाला व्हाइट सॉस पास्ता है रेड हट्स का. जस्ट करवा रहे थे, करवा ले तो अभी इसी से करवाइयो खा खा के. आई जस्ट गॉट माई नेल्स डन एंड हाउ ब्यूटिफुल दे लुक्स लाइक. मतलब मैंने इतना ग्लिटर पहली बार ट्राई करा है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है. डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ट्राई करें. ये लड़की बेचारी अपने बर्थडे की खुद प्रिपरेशन करती है. हैप्पी बर्थडे टू यू. ऐसे नहीं, छोटा सा प्यारा सा हैप्पी बर्थडे टू यू. इसमें वो भी होगा ना हैप्पी बर्थडे, उसमें होगा पॉलिथिन. किसकी बनानी है? कर चलो लेफ्ट पकड़, 25 की होगी ना. कितनी कैंडल लगा दी मैं, छोटी बच्ची हो क्या? सुनहरे बालों वाली हमारे बर्थडे के लिए केक तैयार करते हुए. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. गालो सब डियर अंजलि. हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू. बर्थडे तो इतना सिखला ली बस, चल काट के दूंगी काले के लिए. ओके गाइस, सो इसके बाद आई थी घर पे भावना एंड देन अगेन आई मेड अ व्लॉग और वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. इसके जस्ट बाद वो आएगा. सो नमस्ते आंटी, एक कॉल आ गया था और मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं करा. फाइनली देख लो बर्थडे कल. वैसे तो कल है इसका बर्थडे पर और इतना अच्छा रूम क्लीन कर रखा है. देखो इसका रूम, कैंडल वैंडल लगा के. देखो भाई ध्यान से देखे इस चेहरे को. इसका बर्थडे गर्मी मान रहा है. सरप्राइज फॉर यू, कल मेरा बर्थडे है बट लेकिन आज ही कोई तो आया है एंड दैट इज ताड़ा. सो भावना आई हुई है और मैं इधर आ जा, उधर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही. सो भावना आई हुई है और हम दोनों मस्त इन्जॉय करने वाले हैं और जो भी मोमेंट्स होंगे धीरे धीरे थोड़े बहुत कैप्चर कर करके आप लोगों को दिखाते रहेंगे. और मेरे व्लॉग में भी दिखाई देंगे, मेरा गला खराब है. इसका व्लॉग मेरे व्लॉग से पहले आ जाएगा, यहाँ देख लेना. Yeah, so, हमारी ट्रीट स्टार्ट हो गई है. ठीक है, मेरे बाल खड़े गए भाई. खा लो भाई, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. देखो मेरी क्लिप टूट गई, अब भावना इसको ठीक करेगी. थैंक यू सो मच, पकड़ो इसको. मोस्ट वेलकम. ये बाल ठीक करके लगा, नहीं लगी, नहीं लगी. तो इसको जला, अच्छा मेरे आगे जलाएगी.
मुझे कुछ जलाना पड़ेगा इतना जल जाएगी। हाँ मैं बोला तो था मैंने उसको अच्छी दी एसी पोपट हो गया कोई बात नहीं। दोबारा फिर से पोपट हो गया इसको थोड़ा ऐसे कर ताकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रहे। होड होड हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं इतना ही गा सकती हूँ मेरा गला खराब है। पापा ऑर्डर ला दो। नो आइडिया नहीं बोल सकती पक्का वैसे क्योंकि ये वैसा है। हाँ इसका फेवरेट है ना इसीलिए करने से मतलब होना चाहिए किसी का नाक से भी लगवा ले चॉकलेट वेस्ट मत कर बॉल बाद में नहीं मत कही हो किसे तार दिए भाई साहब अब लगा हुआ खा लो मैं मेरे मुंह पे पहले से ही सनस्क्रीन लग रखी है आग बंद करो कर इसे कुछ तो डब्बे के अंदर वाली चीज है मूर्ति घूमी मिली इसकी बढ़िया लग रहा है यार बहुत प्यारा गिफ्ट मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोस्ट वेलकम फॉर दिस। अब तो मुझे खुद अच्छा सा फील हो रहा है तेरे को पहना हुआ देख के ना मुझे नहीं पता तुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ तुझे नहीं मैं खुद भी सेटिस्फाइड हूँ उसको देख के मतलब मैं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जेनुअनली नहीं है तू मेरा कलेक्शन देख सकती है देख ले और... फिर भी मुझे पता था तेरे पास नहीं है तो मैं तेरे लिए लेकर आई सच में थैंक यू वंस अगेन मैं कुत्तों के भौंकों के साथ कर दे प्यार फिर रुक जाएगी यहीं पे नहीं प्यार नहीं होगा मेरे को वो आ जाएगी छींक जी मैं से बोले कि मेरे को एक चांटा खिलवा दिया बाय आराम से जाना घर जाके कॉल मैसेज कुछ कर दियो कर
पता चल जाए सही सलामत पहुंच गई है। वही रहने, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के भाई 5 रोटी खाती है एक टाइम में, बस इंसान खाते हैं जितनी नॉर्मली। सो फाइनली ये दोनों आई थी एंड देन केक कट हुआ। सो इस अभी जो मैं 2 केक कट कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ द 3rd वन जो मैं कट करूँगी एंड दिस इज़ द रिंग जो भावना ने मुझे गिफ्ट करी। अभी मैंने इसको मेरी रिंग फिंगर में पहना है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पहनूंगी बिकॉज यहाँ पे ये बिल्कुल टाइनी बिट ऑफ टाइट है एज यहाँ बहुत सुंदर लग रही है। सो या और अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में अपडेट करती रहूँगी जो भी कुछ होता रहेगा। बाकी अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैंने ऐसे ही सोचा था व्लॉग बनाने का। सो हैप्पी बर्थडे टू मी, करेक्ट 12 बज चुके हैं, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। सो दिस इज द केक जो उसने मुझे भेजा है, काफ़ी सुंदर काफ़ी प्रिटी केक है और इसको हम कट करेंगे बिकॉज 12 बज चुके हैं। सो मिलो इससे, ये है शेरू। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने नोटिस करा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, लास्ट टाइम बर्थडे वाले व्लॉग में ही सेम एक और डॉगी थी जो बीमार हुई थी एंड देन वी हैव अगेन समवन एल्स जो कि बीमार है। ये ना 5 पपी हुए थे और उनमें से ये इकलौता बचा हुआ, बाकी सारे मर चुके हैं। सो हमने सोचा फिर इसको हम करेंगे कोशिश, इसको ऐसे ही नहीं मरने देंगे। इसको करंटली फीवर है और इसको अभी इंजेक्शन लगाया और ये सो रहा है मेरे रूम में, ठीक है। और इसका खाना रखा है यहाँ पे, देखते हैं आराम होगा नहीं होगा, बट अभी ये सो रहा है। अभी हमारी पार्टी चल रही है, पार्टी सिर्फ मेरी और ईशू की गमछे वाली ईशू, और हमने साथ में रहे कोल्ड कॉफ़ी। अभी बाकी सबके लिए और सारी चीज़ें आ रही हैं बट हम पहले खा रहे हैं, अदरवाइज पिज़्ज़ा ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। सो या सो अभी शाम हो चुकी है और फाइनली हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग करने। जो वो पपी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो एक्सपायर हो गया है। उसकी तबीयत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी बट नाउ ही इज़ नो मोर, तो ठीक है उसको दबा दिया है। और बस दिस वॉज एवरीथिंग। लास्ट बर्थडे पे भी एक बीमार हुआ था, वो तो बच गई थी पर लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो गई थी। अब ये तो बिल्कुल ही, इसकी इतना करा इंजेक्शन लगाया, इसको दवाई दी एंड नाउ ही इज ऑल्सो नो मोर, तो ठीक है। बट या अभी चलते हैं केक कटिंग करने और थोड़ा सा वो देखना एंड या कैसा है केक। मैंने खुद मंगवाया, चॉकलेट का लिया वो थे, मैंने मंगवाया खुद, तुमने मंगवाया है So this is the 4th cake and this is the 5th one. 5 cake done. ये बहुत क्यूट सा था, छोटा सा, छोटा सा था, छोटा सा। ओके गाइस, सो केक कटिंग एंड ऑल दैट हो गया है बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी लिपस्टिक भी ऑलमोस्ट जा चुकी है मैंने एक्चुअली सच्ची बता सकता हूँ इससे पहले वाला पार्ट भी अभी शूट किया था क्योंकि मैं जब वहाँ जा रही थी रेडी होके तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फटाफट दिखा सकूँ, सो फॉर दैट रीज़न। बट या अब तो मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। सो मैंने जो ड्रेस पहनी है दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा और इसको मैंने सेल का टाइम लिया था, मुझे ये काफ़ी सस्ती पड़ गई थी बट आप चाहो तो आप भी बाय कर सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस और ये पहनी हुई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। और हाँ, तो इसकी ड्रेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेकआउट ज़रूर कर लेना, मेरा ब्लॉग देख लो और मेरे चैनल पर साथ ही साथ मेरे साथ मेरा कज़न भी ब्लॉग चलता है तो आप उसके
व्लॉग्स भी देख सकते हो. मेरा तो ये बर्थडे का स्पेशल था ही था, बट उसने भी एक मेरा बर्थडे का कुछ मोमेंट कैप्चर करके उसमें डाला है. वो भी चीज़ आप डेफिनेटली देखना. आई डोंट नो मुझसे पहले वो आएगी या मेरे बाद वो आएगी, बट या दैट्स अ सिनेरियो. एंड थैंक यू एवरी वन जिसने भी मुझे बर्थडे पर विश किया. थैंक यू सो मच. 5 केक इस बार मैंने कट करे. लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 3 कट करे थे, इसमें मैंने 5 कट करे हैं. सो अब अगली बार मैं 5 से ज़्यादा कट करूँगी. ऑल्सो आई हैव गेन अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज इस मंथ मैंने भर भर के खाया है. सो मेरे को वेट भी कम करना है बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मेरे मुँह से ही नज़र आ रहा होगा. बट या सो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. सो तब तक के लिए बाय. Bye.